व्हाट इज अप एवरीवन, बैक टू चैनल। सो गाइस कैसे हो तुम लोग, आई होप कि बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही बढ़िया हो। सो गाइस आज हम लोग बात करेंगे फ्री फायर जब फर्स्ट डे लॉन्च हुआ था 2017 में, आज से लगभग 4 से 5 साल पहले। तब गाइस कोई अर्जु भाई, गैन भाई भी नहीं था, प्ले स्टोर में भी फ्री फायर को कोई नहीं जानता था, मतलब बहुत ही मुश्किल से कोई गेम को डाउनलोड करता था। उस टाइम का गेम प्ले मैं दिखाऊंगा कि एक बंदा भाई फ्री फायर का डाउनलोड करके खेलेगा एंड उसका पूरा दिन फ्री फायर में कैसे जाएगा, कैसा होता है मैप, कैसे रहता लॉबी, एकदम फर्स्ट डे का दिखा था वो गाइस। देखो उस टाइम फ्री फायर को कोई नहीं जानता था भाई कि ये फ्री फायर आगे जाके इतना पॉपुलर गेम बन जाएगा। तो एक बंदे का गेम प्ले हम लोग देखते हैं इधर, जो कि प्ले स्टोर से फ्री फायर को डाउनलोड किया और ये रहा उसका फर्स्ट डे फ्री फायर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस देख सकते, ये रहा हमारा लॉबी एंड उस टाइम हमारे पास ज्यादा कैरेक्टर नहीं होता था, एडम एंड ईव लेके हम लोग खेलते थे। एंड सबसे मजे की बात क्या है जानते हो गाइस, उस टाइम जब हम लोग पहली बार लॉबी में आते थे एंड सबको हाथ से मारने की ट्राई करते थे एंड बहुत देर तक मुक्का मारते थे, उसके पीछे भागते थे एंड बहुत देर मारने के बाद भी जब किल नहीं मिलता था तब हम लोग सोचते थे भाई ये तो वेटिंग लॉबी है, और हम लोग सोचते थे भाई यही भी मतलब गेम स्टार्ट हो गया, हाथ से ही मारना होता है, तो ऐसा सोचते थे। एंड गाइस देखो गाइस इधर सामने एक बंदे को मार रहा है, सोच रहा है गाइस यही गेम है लेकिन ये वेटिंग लॉबी है, लेकिन तब हम लोगों को पता नहीं था। एंड गाइस उस टाइम भाई किसी के पास भी मतलब लेजेंडरी गन स्किन नहीं रहता था, कोई भी गलती से भी कोई गन स्किन लेके आ जाता था लॉबी में तो हम लोग तो उसको हैकर समझते थे, भाई ये बंदा हैकर है, इसको गन स्किन कहां से मिल गया। और तो और गाइस उस टाइम शो अप करने के लिए ज्यादा ड्रेस वगैरह भी नहीं रहता था एंड उस टाइम हम लोग क्या करते थे, गोल्ड रॉयल से किटी या तो कुछ ड्रेस निकाल के बंदे को दिखाते थे, भाई देख मेरे पास ये है, तेरे पास है। एंड गाइस उस टाइम भाई कैरेक्टर भी नहीं रहता था किसी के पास भी, भाई क्ला या तो गाइस एंड्रू कैरेक्टर देख लेते तो हम लोग डर जाते हैं, सोचते थे भाई यही प्रो बंदा है, यही लेजेंड बंदा है। और तो और गाइस उस टाइम हम लोग सकुरा बंडल या हिप हॉप बंडल से नहीं डरते थे क्योंकि हम लोग को पता नहीं था ये बंडल इतना रेयर होता है। उस टाइम हम लोग डरते थे स्कल मक्स बंडल से एंड जोकर बंडल से, भाई ये दोनों बंडल कोई भी बंदा पहन लेना भाई, इससे हम लोग इतना डरते एंड सोचते थे भाई इसको तो हम लोग कभी नहीं हरा पाएंगे क्योंकि ये असली रेयर लेजेंड प्लेयर है। तो गाइस ऐसे ही हम लोग सोचते थे एंड पैराशूट से भी गाइस देखो कुछ ऐसी तरह के लैंड वगैरह करते थे। एंड भाई उस टाइम मैप वगैरह भी पता नहीं था, किधर भी हम लोग लैंड कर लेते थे एंड गाइस पैराशूट से ऐसे नीचे उतरते थे एंड देख सकते हो गाइस धीरे धीरे हम लोग नीचे जाते थे क्योंकि हम लोग को तब पता भी नहीं था कि जॉयस्टिक सामने की तरफ करेंगे तो पैराशूट ज़्यादा जल्दी मतलब फर्स्ट क्लास लैंड होता है। तो बहुत देर के बाद गाइस हम किसी घर के ऊपर या छत के ऊपर लैंड कर सकते हैं, सीढ़ी से भी भाई नहीं उतरते थे। ठीक है देखो गाइस इधर से सीधा हम लोग जंप करते थे, एकदम नीचे आ जाते थे। नीचे आते ही जैसे हमारे एचपी खत्म हो जाते तो हम लोग सोचते भाई हमारे पावर कहाँ गया, शायद हैकर ने हमें मार के चला गया, भाई कितना फनी सोचते थे। एंड गाइस उस टाइम हम लोगों को गन वगैरह की भी कोई नॉलेज नहीं होता था कि कौन सा भाई शॉर्ट रेंज का गन है, कौन सा लॉन्ग रेंज का गन है, कोई भी गन मिलता था भाई उसको उठा लेते थे। और तो और गाइस कभी भी सेफ जोन आता था तो हम लोग घर के अंदर छुप जाते थे, सोचते भाई ये क्या चीज है, इससे हम लोगों का पावर कम हो रहा है, तो गाइस सेफ जोन से हम लोग बहुत डरते थे। एंड गन स्किन का भी तो नॉलेज नहीं था, इसीलिए गाइस हम लोग बेस्ट गन कौन सा सोचते, जो गन से एनिमी हमको डैमेज देता था तो सोचते भाई यही गन बेस्ट है। हर टाइम जब पैराशूट से लैंड करते एंड वही गन ढूंढते थे पूरा गेम में, भाई ये गन कहाँ मिल जाएगा मेरे को, एंड एक बार मिल जाए तो हम लोग तो सारे एनिमी को मार देंगे, ऐसा सोचते थे। एंड गाइस उस टाइम हम लोग गन वगैरह बहुत ही कम चलाते थे क्योंकि हम लोग को तो चलाना था कार, मॉन्स्टर टैग, लैम्बर्गिनी, ये सब चलाते थे हम लोग गाइस उस टाइम, एंड इससे हम लोग बंदे को किल करते थे, इतना मजा लगता था ना पूरा मतलब गेम में। जब लास्ट जोन रहता था ना भाई एक दो बंदा रहता था, उस टाइम भी दो ही बंदा, मान लो दो बंदा जिंदा है तो दोनों बंदा कार लेके घूमता था एंड इससे गाइस हम लोग खेलते थे, बहुत ही मजा आता था उस टाइम। एंड गाइस जब कार वगैरह चलाने के बाद मन भर जाता था उस टाइम हम लोग क्या करते थे, एक दो गोली मारते थे बंदे को, लेकिन ज्यादा टाइम हम लोग कार वगैरह चलाते थे, बहुत ही मजा आता था, जीप, मॉन्स्टर टैग, लैम्बर्गिनी। और आज के टाइम के फ्री फायर प्लेयर बोलेगा भाई उस टाइम का फ्री फायर का ग्राफिक्स तो बहुत ही बुरा था, घटिया था, हां मानता हूं ग्राफिक्स बहुत ही घटिया था, लेकिन भाई उस टाइम गेम खेलने में बहुत ही मजा आता था क्योंकि उस टाइम भाई थोड़ा सा भी मूड खराब होता, सैड होता तो गाइस फ्री फायर गेम खेल लेता, एक दो मैच खेलते थे पूरा सही हो जाता। और अभी के टाइम पे तो पूरा उल्टा, गेम ओपन करते देखना 4-5 तो बैनर आ जाएगा इवेंट का एंड उसको निकलने के लिए चाहिए बहुत सारा डायमंड एंड वो नहीं है तुम्हारे पास, इससे गाइस बहुत टेंशन हो जाता है कि भाई डायमंड कहां से मिले, कहां से बंडल को निकाले, अगर ना बंडल ना निकालो तो फ्रेंड्स जो है ग्रुप में नहीं लेगा। एंड गाइस अभी तो गेम पे टू विन हो गया, अगर तुम्हारे पास अच्छा गन स्किन, अच्छा कैरेक्टर स्किल वाला नहीं रहेगा तो तुम लोग गेम को जीत भी नहीं सकोगे। तो गाइस इसी वजह से बहुत बंदे टेंशन में आ जाते हैं एंड डायमंड वगैरह के लिए घर में चोरी करता है एंड जो चोरी नहीं करता भाई सुसाइड करता है। तो भाई ये सब मत करो सुसाइड वगैरह गेम के लिए, मैं मानता हूँ गेम मतलब जब नया नया जो बंदा गेम खेलता है बहुत मतलब एडिक्टेड हो जाता है गेम के पीछे, हम लोग भी होते थे लेकिन उस टाइम भाई कोई इवेंट वगैरह नहीं होता था इसीलिए हम लोग टॉप अप वगैरह भी नहीं करते थे, इसीलिए गाइस
हम लोग अभी टॉप अप नहीं करे तो कोई मतलब बुरा वगैरह कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम लोग पहले से ही टॉपअप वगैरह बहुत ही कम करते थे, मतलब करते ही नहीं थे, कोई इवेंट ही नहीं रहता था। और तो और गाइस तुम लोग भी टॉपअप वगैरह कम करो, या तो भाई करो ही मत, जानता हूँ ये मुश्किल है लेकिन धीरे धीरे ये आदत में बन जाएगा। एंड गाइस इंडिया में हर एक प्लेयर अगर टॉपअप करना बंद कर देना तो ये गरीना कंपनी ना सबको फ्री में हिप हॉप क्रिमिनल देगा, क्योंकि उसके पास मतलब कोई रेयर बंडल नहीं होता गरीना के पास, ये तो ऐसे भी एक कंपनी है एंड ये अपने फायदा देखता है। ठीक है, जब कोई भी बंदा टॉपअप नहीं करेगा तो ये सारे हिप हॉप क्रिमिनल सारे बंदे एकदम कम कम डायमंड में या तो फ्री में भी दे सकता है। सो गाइस इसी वजह से बाहर के सर्वर में लाइक इंडोनेशिया ब्राजील में बहुत ही कम डायमंड में बहुत ही रेयर रेयर चीज मिलता है या तो फ्री में भी दे देता है, क्योंकि उधर के जो फ्री फायर प्लेयर है ना बड़े से लेकर छोटे तक कोई भी टॉपअप वगैरह बहुत कम करते हैं, इसीलिए गाइस गरीना सब कुछ फ्री में देता है। तो गाइस तुम लोग भी मत करो, एंड गाइस ये अकेला करने से कुछ नहीं होगा, सारे मिलकर करना होगा तो गाइस ये चीज हो सकता है, सुसाइड वगैरह कम हो सकता है या तो टेंशन वगैरह जो होता है ना चोरी वगैरह करते बंदे लोग ये भी कम करेगा। तो गाइस गेम में ज्यादा पैसे मत लगाओ, गेम की तरह खेलो, पहले की तरह गेम और नहीं रहा, क्योंकि पहले भाई गोल्ड डेज था, बहुत ही अच्छा था गेम, कोई इवेंट नहीं था भाई, फ्री टू प्ले था, और अभी तो हर जगह डायमंड ही डायमंड। तो गाइस यही था आज का वीडियो 2017 का ओल्ड फ्री फायर गेम प्ले। सो गाइस वीडियो कैसा लगा एक लाइक कर देना, एंड मैं जानता हूं मेरा हिंदी बहुत ही बुरा है, तो गाइस कोई इधर भी मिस्टेक हुआ तो माफ कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, एंड चैनल पे जो भाई नया हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड ऐसे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।